हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एसर नंबर टू दैट इज़ अ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सो हमने यहाँ तक देख लिया था नाउ पार्ट डी शॉर्ट आंसर टाइप टू क्वेश्चंस ठीक है नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एसिमिलेशन आपने जो भी डाइजेशन के स्टेप्स थे उसमें एक स्टेप था एसिमिलेशन तो आप लोग एसिमिलेशन से क्या समझते हो ठीक है इस वर्ड से क्या समझते हो एसिमुलेशन इज द प्रोसेस इन विच द सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आर यूटिलाइज फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड द रिपेयर इज टॉल्ड इज कॉल्ड एज अ एसिमुलेशन देखो एसिम्युलेशन वो प्रोसेस होता है कि डाइजेशन के बाद जो एबजॉर्ब हो गया था फूड एब्जॉर्ब कौन सा फूड होता है जो कि सिंपल होता है सोल्यूबल होता है राइट और फूड क्या सब्सटेंसेस कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके उस फूड का क्या किया जाता है यूटिलाइजेशन किया जाता है एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए काम करने के लिए ग्रो करने के लिए बॉडी को और जो पार्ट्स जो हैं जो सेल्स जो हैं वो डैमेज हो गई हैं उसको रिपेयर करने के लिए सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एसिमुलेशन क्वेश्चन नंबर टू वट इज द एक्शन ऑफ इंटस्टिनल जूस ऑन द फॉलोइंग फूड कॉम्पोनेट्स जो इंटेस्टाइन में जो सिक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं उनका फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स पे क्या एक्शन होता है सो नंबर वन इज गिवन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स पे जो इंटस्टिनल जूस है वो किस तरीके से रिएक्ट करती है द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इंटू ग्लूकोज इंटस्टाइन जो जूसेज हैं वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करके कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देती हैं ग्लूकोज में फैट्स The fats get broken into fatty acids and the glycerol. और जो fats हैं उसपे intestinal जो juices हैं वो act करके उसको fatty acid और glycerol में convert कर देते हैं. Proteins, proteins पे the protein get broken into amino acids. और जो protein हैं उसपे act करके किसमें convert कर दिया जाता है उसको amino acids में convert कर दिया जाता है. So this is the action of the intestinal juices on the कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड द प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ अलॉन्ग विदर स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की बात करनी है उसके बारे में बताना है और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है सो आंसर इज बेस्ड ऑन देअर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस टीथ आर ऑफ फोर टाइप्स तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं इनसीजर के नाइन प्रीमोलर एंड द मोलरस इन सीजर्स को हम कह देते हैं कटिंग टीथ क्योंकि वो कट करने के काम आते हैं जैसे आप बाइट करते हो एप्पल को तो कटिंग टीथ सो दीज आर फोर फ्लैट एंड द ब्लेड लाइक टीथ इस तरीके के होते हैं फ्लैट होते हैं और ब्लेड टाइप होते हैं प्रेजेंट ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच जॉ ईच जॉ का मतलब होता है ये ऊपर का जॉ और ये नीचे का जॉ तो हर एक जॉ पे कितने प्रेजेंट होते हैं फोर फ्लैट ऊपर की तरफ ऐसे फ्लैट फोर और इसी तरीके से नीचे भी फोर प्रेजेंट होते हैं ठीक है so, सो ये होते हैं इंसीजर विच कॉजेज फूड टू बाइट एंड कट फूड इन टू द स्मॉल पीसेस ठीक है दीज आर इंसीजर नेक्स्ट इज कैट इनको बोलते हैं टीयरिंग टीथ क्योंकि ये टीयर करने के काम आते हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द इधर साइड ऑफ इंसीजर ये इंसीजर थे फोर फोर ये एक एक इधर की तरफ प्रेजेंट होते हैं दीज आर टू इन नंबर इन ईच जो टू जो एक जॉ में दो होते हैं तो जैसे ये क्या थे इन सीजर थे इनके दोनों तरफ एक एक केनाइन प्रेजेंट हो जाता है ऊपर भी और नीचे भी और ये कैसे होते हैं टीयरिंग टीथ होते हैं दीज आर टू इन ईट जो दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड किस तरीके के होते शार्प एंड पॉइंटेड टीथ विच हेल्प इन टीयरिंग द फूड तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के शो करना है दिस इज इन सीजर ऊपर से कैसे है फ्लैट है और ये कितने होते हैं ब्लेड टाइप के होते हैं फोर इन ईच जॉ दिस इज अ केनाइन ऊपर से कैसे है पॉइंटेड और शार्प है और ये टीयरिंग टीथ होते हैं ठीक है थीके? अब आता है प्री मोलर्स जो होते हैं ग्राइंडिंग टीथ जिनको हम जाट भी बोल देते हैं दिज आर द टू प्री मोलर्स नेक्स्ट टू द ईच केनाइन तो हर एक जो केनाइन है उसके दोनों तरफ टू टू प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं तो एक जॉ में कितने हो गए फोर हो गए टोटल क्योंकि हर एक के नाइन के दोनों तरफ क्या है दो दो प्रेजेंट है सो देर आर टू प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू द ईच केनाइन फोर इन नंबर इन ईच जॉ दीज हैव ब्रॉड एंड द फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस इनकी जो ऊपर की सरफेस होती है वो कैसी होती है चौड़ी होती है और एक इसमें हेल्प करती है ग्राइंड करने में हेल्प करती है क्योंकि इसकी सरफेस ग्राइंडिंग सरफेस होती है दे ग्राइंड फूड एंड ब्रेक इट इन टू स्मॉल पीसेस तो ये क्या करती है ये फूड को ग्राइंड करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती है फोर टाइप ऑफ टीथ इज मोलर्स ये भी क्या होते हैं ग्राइंडिंग टीथ होते हैं प्री मोलर्स कंपेयर टू मोलर्स छोटे होते हैं और जो मोलर्स होते हैं ये थोड़े बड़े होते हैं और इनकी जो ऊपर की ग्राइंडिंग सरफेस होती है ये भी बड़ी होती है मोलर्स आ थ्री इन नंबर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्रीमोलर प्री मोलर के बाद तीन तीन और मोलर प्रेजेंट होते हैं तो टोटल सिक्स हो गए इन द नंबर ऑफ ईच जो हैव ब्रॉड एंड द फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस इससे ज्यादा चौड़ी भी होती है और फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेस होती है दे आर लार्जर देन द प्री मोलर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो आपको इस तरीके से ऑल फोर टाइप्स ऑफ टीथ को लर्न करना है और इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो आपके मार्क्स कहीं पे भी, भी कट नहीं होंगे नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव फोर सॉरी वट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टंग टंग क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है द टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस नंबर वन इट हेल्प्स इन मिक्सिंग सेलेवा विथ फूड तो टंग क्या करती है जो हम खाना खाते हैं और हमारे माउथ से जो सलाइवा सिक्रीट होता है उस सलाइवा को वो फूड के साथ मिक्स करती है नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन पुशिंग एंड द स्वेलोइंग द फूड इन टू द फूड पाइप फूड पाइप क्या होता है हमारा ईसोफेगस तो ये टंगी होती है जो हमने फूड को चबा लिया उसको पुश करती है स्वेलो करती है ताकि जो फूड है वो माउथ से कहाँ चला जाए ईसोफेगस में चला जाए थर्ड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड अब हमें खट्टा मीठा और जो कड़वा <coughs> और जो स्वीट टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है क्योंकि हमारी जो टंग है उस पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है वो भी हमें क्यों आता है ड्यू टू तो द प्रेजेंस ऑफ टंग इट हैज सेवरल टेस्ट बर्ड्स दैट कैन डिस्टिंग्विश फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट इन फूड इस पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है जो फोर टाइप्स के टेस्ट को देती हैं सॉल्टी सॉवर बिटर एंड अ स्वीट फोर्थ इज इट एनेबल टू स्पीक और इसी से ही हम बोल पाते हैं आप अगर बोल के देखोगे आप टंग को मूव करके अपने वर्ड्स को बोलते हो ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो द मूवमेंट ऑफ वर्ड इन दसोफेगस राइट द फंक्शन ऑफ द इोफेगस आपको क्या शो करना है एक तो वेल लेबल्ड लेबल्ड का मतलब है आपको नेमिंग करनी है लेबल करना है जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो कि आपने क्या ड्रॉ किया है जो भी आपने ड्रॉ किया है उसका पार्ट जो भी है वो क्या है ठीक है सो लेबल का मतलब आपको उसकी मार्क्स मिलेंगे टू शो द मूवमेंट ऑफ फूड की मूवमेंट हो रही है फूड की इसोफेगस फिगर्स के अंदर ना एंड राइट द फंक्शंस ऑफ द ईसोफेगस तो मैंने ये पूरा पूरा एक ईसोफेगस फूड पाइप और ये स्टमक ड्रॉ किया है इसमें फूड की मूवमेंट शो करी है अभी फूड यहाँ पर है फिर नीचे ये स्टमक में जा रहा है तो इसमें मैंने क्या ड्रॉ किया है एक तो ये ईसोफेगस है दिस इज स्टमक ठीक है तो जहाँ से इसकी जो मसल्स होती हैं इनर वॉल की ईसोफेगस की वो क्या होती हैं मसल्स प्रेजेंट होती है इनर वॉल में तो ये मस्कुलर होने की वजह से यहाँ पे वेव लाइफ एक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं तो जब फूड यहाँ से नीचे आता है तो जहाँ पे वो एंटर होता है वहाँ तो मसल्स रिलैक्स कर जाती है और ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी तो वो नीचे जाता है अगेन जहाँ पे ये फूड था जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी तो इसको ये नीचे की तरफ पुश कर देगा तो नीचे की मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल दिस इज अ रिलैक्सड मसल हेयर जब पुश किया तो ऊपर वाली क्या हो गई कॉन्ट्रैक्ट हो गई और नीचे वाली क्या हो गई रिलैक्स हो गई एंड दिस इज अ फूड सो व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड स्लाइटली मतलब माउथ में भी थोड़ा सा डाइजेशन हुआ है इसो में तो डाइजेशन होता ही नहीं है सो वैन दाइट स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द फूड पाइप द वॉल्स ऑफ द ईसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग टू पुश डाउन इन टू द स्टमक तो जब स्ल डाइजेस्टिड फूड एंटर करता है ईसोफेगस में तो ईसोफेगस की जो वॉल्स है वो क्या करती हैं एक्सपैंड करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं टू पुश डाउन द फूड इन टू द स्टमक एंड इट इज कॉल्ड द पेरिस्टेटिक मूवमेंट डाइजेशन इसमें होता ही नहीं है तो जस्ट इसका काम क्या हुआ माउथ से फूड को स्टमक में ले जाना बाय द पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट्स ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स इज विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज इन्वॉल्व इन आपको इन पार्ट का नाम बताना है एलिमेंट्री कैनाल्स का नाम बताना है जो इन इन फंक्शन में काम आते हैं सो ए इज गिवन च्यूंग द फूड कौन च्यू करता है एलिमेंट्री केनाल का कौन सा पार्ट च्यू करता है बक्कल कैविटी है ना बक्कल कैविटी में टीज होते हैं बी इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया को कौन किल करता है स्टमक किल करता है क्योंकि स्टमक में क्या रिलीज होता है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है एब्जॉर्ब्शन ऑफ फूड एब्जॉर्ब्शन का होता है डाइजेस्टिड फूड का स्मॉल इंटस्ट्रीन के अंदर फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ पर होता है लार्ज इंटस्ट्रीन में सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन्स

फाउंड इन पौंड वाटर और अमीबा कहाँ प्रेजेंट होता है पौंड वाटर में वैन इट सेंस इज फूड इट पुश इज आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल तो जैसे ही उसको लगता है उसका फूड जो है उसके पास आ गया उसको सेंस होती है तो वो क्या बनाता है स्यूडोपोडिया बनाता है अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एंड गल्फ इट और उसको अंदर ले लेता है जैसे अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है ठीक है तो जैसे ही उसको लगता है कि यहाँ पर कोई फूड आ गया है तो ये क्या करता है इस तरीके से फॉल्स अपने फीट बना लेता है उस फूड के चारों तरफ और फिर उसको ऐसे यहाँ पे मिला लेता है तो फूड को उसने एलगल्फ कर लिया अंदर ले लिया द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल तो अब ये क्या बन जाता है फूड वैक्यूल बन जाता है डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन टू द फूड वैक्यूल अब इस जो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रिएट किया जाता है दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज और फिर वो जो जूस है डाइजेस्टिव जूस है वो उस फूड को तोड़ता है ब्रेक इट डाउन करता है और उसको सिंपलर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देता है आफ्टर दैट दिस डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इंटू द साइटोप्लाजम साइटोप्लाज्म क्या होता है जो यहाँ पे लाइक स्ट्रक्चर -like होता है पूरा सेल के अंदर उसको बोलते हैं साइटोप्लाजम न्यूक्लियस तो अंदर होता है उसको छोड़ के बाकी जो लाइक स्ट्रक्चर -like होता है तो अब जो डाइजेशन हो गया इसका फिर उसको डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सो इन दिस वे डाइजेशन एंड द एब्सॉर्बेशन टेक प्लेस इन द एबा सो दिस इज वेरी सिंपल टू लर्न बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन र्यूमिनट्स र्यूमिनट्स में बताना है कि किस तरीके से डाइजेशन होता है तो र्यूमिनट्स बताने से पहले सबसे पहले आप उसको ड्रॉ करोगे कि र्यूमिनट में क्या है? Compound stomach होता है कंपाउंड स्टमक होता है कंपाउंड स्टमक का मतलब है जो स्टमक है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है फोर चैम्बर्स होते हैं नंबर वन इज र्यूमेन जो सबसे बड़ा पार्ट होता है नंबर टू इज रेटिकुलम नंबर थ्री इज ओमैसम एंड नंबर फोर इज एबोमैसम तो फोर चैम्बर्स हो गए इसके ये रहा और इसके बाद आती है स्मॉल इंटस्टीन यहां पे स्मॉल इंटेस्टीन डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से होता है इन रियुमेन द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स दैट इज रियोम रेटिक्यूल ओमैसम एंड द एबोमैसम ठीक है दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टमक इस टाइप को स्टमक को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टमक so this type of stomach is called the compound stomach the food that is swallowed goes first into the largest chamber जैसे कि ये compound stomach है तो यहाँ पर जो food है उसको chew करता है कोई भी र्योमेनाइन तो सबसे पहले उसके first chamber में जाएगा जिसको हम बोल देते हैं रियोमैन और यही क्या होता है लार्जेस्ट चैम्बर होता है द र्योमैन हेयर इट इज़ पार्शली डाइजेस्ट यहाँ पे फूड का पार्शल डाइजेशन होता है एंड इज कॉल्ड द कड तो वो फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कड में कन्वर्ट हो कड़ है। जाता है उसको कड बोलते हैं देन इट गोज टू द सेकेंड चैम्बर और फर्स्ट चैम्बर के बाद फूट जाता है सेकेंड चैम्बर में टू द रेटिकुलम फ्रॉम हेयर इट रिटर्न टू द माउथ फॉर द थोरो च्यूइंग और टू से ये अगेन माउथ में लेकर आया जाता है उसको अच्छे से चबाने के लिए थोरो च्यूंग करने के लिए आफ्टर थोरो च्यूइंग जब अगेन उस कट को च्यू कर लिया जाता है एंड मिक्सिंग इट विद द सेलेवा और सलेवा के साथ वो मिक्स हो जाता है द री चूड फूड इज फॉलोड अगेन अगेन से उसको फॉलो कर लिया जाता है फूड को इट नाउ बाईपास इज द फर्स्ट टू चैम्बर्स अब जो फूड आएगा वो डायरेक्टली फर्स्ट और सेकेंड में नहीं चला जाएगा डायरेक्टली थर्ड में चला जाएगा तो उसने बायपास कर दिया फर्स्ट टू चैम्बर्स को एंड एंटर्स द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर दैट इज कॉल्ड द ओमैसम ओमैसम में पहुंच गया इट देयर इट इज़ ब्रोकन इंटू स्मॉलर पीसेज यहाँ पे जो फूड पहुंचा वो स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट किया गया एंड एट लास्ट इट एंटर्स द फोर्थ चैम्बर फ्रॉम थर्ड इट कम्स टू द फोर्थ चैम्बर कॉल द एबोमैसम हेयर गैस्ट्रिक जूसेज एक्ट ऑन इट और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेज सिक्रिएट होते हैं जो इस पे फूड पे एक्ट करेंगे जूस इज एक्ट ऑन इट एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड और इस पार्ट में फोर्थ पार्ट में एबोमैसा में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पूछा है जो हमने ऑलरेडी डन किया हुआ है तो प्लीज आप पहले जाके आप उसको देख लो तो वो एक आंसर आएगा आपका ठीक है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपको बताना है एफ पार्ट इज हॉर्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑनक्लिन टीथ कन्वर्ट द शुगर इन टूस्टेंस एक्स अगर हमारे टीथ को क्लीन नहीं किया ब्रशिंग नहीं की है तो जो हमारा फूड था जिसमें शुगर प्रेजेंट थी वो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करके उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं सब्सटेंस एक्स में विच कॉजेज टूथ दिखे नेम दब्सटेंस एक्स आपको उस एक्स जो सब्सटेंस बना है उसका नाम बताना है विच पार्ट ऑफ द टीथ डज इट अफेक्ट और जो एक्स बना उसने हमारे टीथ के किस पार्ट को अफेक्ट किया उसका नाम भी बता रहे द सब्सटेंस एक्सिड एक्स इज एसिड जो सब्सटेंस बनेगा बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट शुगर है उसको कन्वर्ट करके क्या बना देता है एसिड बना देता है विच कॉज इज होल और अ कैविटी और एसिड तो आपको पता ही है कितना कॉरोसिव होता है तो हमारा जो इनैमल होता है दैट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी वो उसमें भी होल और कैविटीज कर देता है the part of the teeth that is affected by this of the acid formation is enamel to hamara wo jo enamel hota hai tooth ka wo kharab ho jata hai usme cavities ho jati hai question number 2 is how is ruminant stomach different from human stomach जो ruminants का stomach होता है compound stomach वो human के stomach से किस तरीके से different होता है रूमिनट्स आर दो एनिमल्स विच ब्रिंग बैक सोलड फूड इन टू दाउथ रूम तो वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड को एक बार करने के बाद वापिस से अपने माउथ में ले आते हैं और उसको रिच्यूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल काव बफेलो दे हैव अ कंपाउंड स्टमक मेड अप ऑफ फोर चैम्बर्स किसके कितने चैंबर्स से मिलकर बनता है फोर चैंबर से मिलकर बनता है एंड द एबोमैसम फोर चैम्बर्स हो गए बट ह्यूमन हैज सिंगल स्टमक इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में क्या होती है एक ही स्टमक uh, होता है जिसमें एक ही चैम्बर होता है दिस इज अ लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन किस तरीके का ऑर्गन होता है इस टाइप का ठीक है जे शेप्ड ऑर्गन uh, होता है द स्टमक फूड गेट कन्वर्टेड इंटू अ पार्शली डाइजेस्टिड सेमी सॉलिड फ्लूड कॉल द काइम और जो हमारा स्टमक होता है वो डाइजेस्टिड फूड को डाइजेस्ट करके सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम काइम कहते हैं तो किस तरीके से आप डिफरेंट शो कर सकते हो कि उस उसमें तो फोर चैमर्ड है और ह्यूमन में वन चैमर्ड है और उसमें एक बार श्यू करने के बाद स्टमक से अगेन माउथ में ले जाया जाता है लेकिन ह्यूम में ऐसा नहीं किया जाता और ह्यूमंस का जो स्टमक होता है वो जी शेप्ड होता है और उनमें तो मल्टीपल चैम्बर्स होते हैं और उसमें बीच में जो फूड कन्वर्ट होता है वो कट में कन्वर्ट होता है, इसमें में निकलने के फ्लूड बनता है जिसको काइम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री इफ अ पीस ऑफ चपाती इज फॉर टाइम इट टेस्ट स्वीटर वाई क्वेश्चन इज अगर आप चपाती के टुकड़े को थोड़ी देर चबाते रहते हो थोड़ी देर अपने मुंह में रखते हो उसको च्यू करते रहते हो तो वो मीठी क्यों लगने लग जाते मीठा क्यों टेस्ट आने लग जाता है सो आंसर इज चपाती इज मेड अप ऑफ वीट चपाती हम किससे बनाते हैं गेहूं से बनाते हैं वीट से बनाते हैं विच इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है क्या सोर्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट का यूजली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा फॉर्म होता है स्टार्च का सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम एमाइलेज ये हमने पढ़ा था सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है एमाइलेज विच कन्वर्ट द स्टार्च इन शुगर और उसका क्या काम होता है जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर में कन्वर्ट करना विच टेस्ट स्वीट इफ च्यूड फॉर सम टाइम और और जो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका टेस्ट तो स्वीट ही आएगा अगर थोड़े टाइम तक उसको चबाते रहेंगे अगर उसको टाइम देंगी च्यू करने का तो जो सलाइवा में प्रेजेंट एमाइलेज है तो वो चपाती में प्रेजेंट स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है दैट्स वाई इट टेस्ट स्वीट ओके क्वेश्चन नंबर फोर विच स्ट्रक्चर इन एमीबा कैन बी कंपेयर टू द माउथ ऑफ ह्यूमन्स अमीबा किस किस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो कि वो ह्यूमंस के माउथ के इक्वल है आंसर इज स्यूडोपोडिया इज यूज बाय द एमीबा टू ट्रैप इट्स फूड इनटू द फूड वैक्यूल जो स्यूडोपोडियाज होते हैं वो एमीबा यूज करते हैं अपने फूड को ट्रैप करने के लिए कहाँ पर फूड वैक्यूल में एंड डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रीटेड इन टू इट और उसी के फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट किया जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए द सूडोपोजिया इज यूज बाय अमीबा टू टेक इन फूड सिमिलरली ह्यूमन्स माउथ इज यूज फॉर इन द फूड तो जैसे स्यूडोपोडिया को यूज करता है अमिबा फूड को इनटेक करने के लिए इंजेक्शन करने के लिए सो सिमिलरली ह्यूमंस माउथ यूज करते हैं टू इनटेक ऑफ द फूड दे फूड स्यूडियोपीडिया ऑफ अमीबा कैन बी कम्पेयर टू द माउथ ऑफ द ह्यूमन्स सो हम स्यूडियोपेडिया जो है अमीबा के उसको कंपेयर कर सकते हैं एज द माउथ ऑफ द ह्यूमन्स राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फूड वैक्यूल इन अमीबा सिमिलर टू द स्मॉल इंटस्टीन ऑफ द ह्यूमन बींगस हाउ क्या इज फूड वैक्यूल जो फूड वैक्यूल होता है अमीबा का क्या हम उसको सिमिलर मान सकते हैं स्मॉल इंटेस्टीन के हाउ कैसे ये आपको बताना है सो आंसर इज फूड वैक्यूल इन अमीबा कंटेन डाइजेस्टिव ज्यूसेज और एंजाइम्स जो फूड वैक्यूल होता है अमीबा का उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो किसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं

we have often seen that an infant child after feeding on milk vomit out something like curd. आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि कोई छोटा बच्चा होता है उसको वो दूध पीता है तो फीडिंग के बाद क्या कर हो सकता है कि वो वॉमिट करे पिया तो वो दूध होता है लेकिन जब वो वॉमिट होती है तो वो कर्ड होती है कर्ड लाइक -like सब्सटेंस होता है फटा सा दूध सो हाउ डज़ इट हैपन क्यों हुआ उसको वापस जो उसने वॉमिट की वो कर्ड लाइक सब्सटेंस दूध पीने के बाद उसने वॉमिट क्यों करी बड़ों को तो ऐसा नहीं होता सो आंसर इज वी हैव सीन दैट सम टाइम्स एन इन्फेंट वॉमिट आउट समथिंग लाइक कर्ड आफ्टर फीडिंग ऑफ मिल्क ऐसा होता है कि बच्चे वॉमिट कर सक कर देते हैं कर्ड लाइक वॉमिट आफ्टर द फीडिंग ऑफ मिल्क दिस इज बिकॉज ऑफ द इनएटेट एंड एडिक्वेट बर्पिंग बर्पिंग होता है डकार दिलाना क्योंकि उस बच्चे को डकार नहीं दिलाया अगर प्रॉपरली ड्यूरिंग द मिल्क फीडिंग तो जब वो मिल्क फीड कर रहा होता है तो क्या करता है वो फीड के साथ बहुत सारी एयर को भी अपने अंदर ले लेता है तो बच्चा तो छोटा है ना वो मूव करता है तो लेटता है तो वो क्या वो नहीं अपने इनएडिक्वेट उसके अंदर जो एयर चली गई है वो उसको रिमूव नहीं कर पाता डकार नहीं ले पाता बर्पिंग बोलते हैं उसको तो बर्पिंग नहीं कर पाता सो एट दिस टाइम द बेबी टेक इन इक्वल अमाउंट ऑफ एयर विच नीड्स टू गेट रिमूवड तो जब वो फीड कर रहा होता है मिल्क को तो उसी टाइम पे वो इक्वल अमाउंट ऑफ एयर को भी इनटेक कर लेता है लेकिन उसको तो रिमूव करना जरूरत है नहीं तो बच्चे के पेट में दर्द होगा फ्रॉम द स्टमक बिफोर पुटिंग ऑफ इन फैक्ट टू द बेड लाइनर लाइट आन पोजिशन तो बच्चे को लेटाने से पहले आपको बर्पिंग करवाना ज़्यादा जरूरी होता है ताकि जो उसने फीडिंग के टाइम पे एयर उसने अंदर ले ली है उसको रिमूव कर दिया जाए ठीक है और अगर उसको रिमूव नहीं करेंगे तो जब वो डकार लेगा तो उसके साथ वो जो फूड है फूड तो क्या है उसने जो मिल्क पिया है वो डाइजेस्ट होकर कर्ड लाइक सब्सेंस बन जाता है तो वो अपने उसके साथ क्या करता है फिर वो वॉमिट कर देता है ठीक है सो हेयर आर सेकेंड चैप्टर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल डोंट गो विदाउट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट थैंक यू सो मच